आप कौन कौन से फ्लेवर में डील करते हो मोमोज के लिए? मोमोज के लिए हम वेज में जा रहे हो, सिंपली वेज है, पनीर में पनीर मोमोज है, पनीर पेरी पेरी, कॉर्न चीज़ है, चीज़ चिल्ली चीज़ है, फिर चिकन पे आप आ रहे हो, सिंपली चिकन है, चिकन पेरी पेरी, चिकन चिल्ली, चिकन चीज़, चिकन पेरी पेरी, चिकन कुंगफा, काफ़ी सारे मतलब वैरायटी। इतनी फ्लेवर तो इनके पास अनलिमिटेड फ्लेवर है, और अगर आप कुछ बोलो तो कस्टमाइज भी हो जाएगा सर। कस्टमाइज भी हो जाता है, कस्टमर मुझे बोलते हैं सर मुझे इसमें चीज़ डाल के, चीज़ एड ऑन कर दो, ये कर दो, करो, हम वो करके दे देते हैं उनको। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. तो दीपक भाई अपना हो गया रेडी, लेटर रेडी हो गया, अब हम सर्व करते हैं, कैसा क्या है? अपना लेटर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और अभी सर्व करने का बाकी है। तो देख सकते हो अभी अपना प्लेटर जो है वो सर्व हो रहा है। सुना है काफ़ी अच्छा मोमोज है, और मोमोज लवर भी इनका नाम है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसको ट्राई किया ही जाए फाइनली। अपना सर्व कर रहे हैं दीपक भाई अपना प्लेटर। दीपक भाई कौन कौन सा है बताना पड़ेगा, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है अभी कि प्लेटर में क्या क्या दिया है आपने। भाई देखिए इसमें चिकन तंदूरी है, इसमें चिकन तंदूरी है, ये चिकन तंदूरी लग गया हमारा, ये चिकन टिक्का है, ये चिकन टिक्का, हाँ टिक्का भी लग गया, और सिंपली चिकन है, ये कौन सा सिंपली चिकन, ये चिकन पेरी पेरी, हाँ पेरी पेरी चिकन, चिकन कुंफा, हाँ चिकन ब्राज़ील, ब्राज़ील हाँ, ये देख सकते हो ये टोटली जो आइटम लगा है वो सब चिकन में लगा हुआ, सारे चिकन में लगा है। वेज यानी बाकी है, वेज अभी बाकी है, वेज सेपरेट होता है भाई, वेज सेपरेट होता है, वेज सेपरेट, देख सकते हो वेज और नॉन वेज दो सेपरेट मिलने, हम लोगों को जो है वो सेपरेट मिलता है खाने के लिए, और सब भी ये जो है डिफरेंट करते हैं, अलग अलग ही करते हैं। तो दीपक भाई इसका प्राइस नहीं बताया आपने क्या है? भाई फ्लेवर में आप लोगे ना तो फ्लेवर में 90 रुपीज़ में 6 पीस है, अगर आप नॉर्मल सिंपल लेते हो ना तो वो सिंपल पीस आपको 70 रुपीज़ में 6 पीस आता है, 70 रुपीज़ में 6 पीस आता है, और फ्लेवर में 90 रुपीज़ कोई भी फ्लेवर ले लो आप, 10 फ्लेवर है, 10 हो गया 10 हो, 90 रुपीज़ 6 पीस, 90 रुपीज़ 6 पीस। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर जो है ये सर्व करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग आपके पास जो आते हैं खाने के लिए वो क्या डिमांड करते हैं? चिकन तंदूरी मोमोज का, चिकन तंदूरी मोमोज, चिकन तंदूरी, ये जो आपने को दिया हो चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, सिंपली ब्राज़ील, क्या क्या है, पीरी पीरी वगैरह, इतना आइडिया मुझे भी नहीं। और ये अपना चीज़ मार के देता हूँ मैं ऊपर, चीज़ ड्रेसिंग। अच्छा ये जो है ये चीज़ है, बेसिकली लोग जो है मोमोज डालते हैं, हाँ आप जो है वो चीज़ सर्व करें, ये चीज़ है, इसमें पूरा चीज़ है, ये पूरा चीज़ है, ये मेयोनीज नहीं है, टोटली चीज़ है, चीज़ थोड़ा कम ही रखना दीपक भाई मुझे, नहीं भाई ज़्यादा मत रखना, उसके बाद में देखते हैं अभी क्या लगाने वाले हैं। दीपक भाई प्लेटर जो हमने ऑर्डर किया था तो ये फटाफट तो बन के रेडी हो गया है, तब तक हम बात करेंगे दीपक भाई से कि दीपक भाई ने कब शुरू किया और कितना टाइम हो गया इसको शुरू करके। भाई आप बता सकते हो कितना टाइम हो गया आपको? भाई आज अपने को ये 10 दिन हुआ है, एग्जैक्ट 10 दिन हुआ है, एग्जैक्ट 10 दिन हुआ है अभी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पूरे एरिया में नया ही हूँ यहाँ पे, मतलब किसी ने लॉन्च किया नहीं, और मेरे लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था कि कैसा चलता है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता है,
पूरा सर्वे करने के बाद पता चला कि भाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और कर ही रहे माशाल्लाह, चल ही रहा है। यानी दीपक भाई जो अभी नया नया उन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ पे, एक और ब्रांच है इनका दूसरी तरफ नेस्को साइड में, नेस्को की तरफ है ना आपका, नेस्को गोरेगांव नेस्को की तरफ है। दीपक भाई ने जो इसको मलाड में स्टार्ट किया हुआ है, तो टेस्ट करेंगे दीपक भाई का, और टेस्ट करके आप लोगों को भी बताएंगे और बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से स्पेशलिस्ट मोमोज आपको मिलते हैं। ये देख सकते हो, ये शेजवान चटनी भी डाल दी है, ये मायोनीज है, मायोनीज भी डाल दिया हुआ है, शेजवान चटनी भी डाल दिया है। ये देख सकते हो मेरा, ये देख सकते हो आप चटनी, प्योर चटनी नॉर्मल आपको सब घर पे बनाया अपन ने, कोई बाहर से नहीं, पूरा घर पे होम मेड है, ये सब देख सकते हो। और ये चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, चीज़ जो है डालने के बाद में इसके ऊपर मेल्ट होना स्टार्ट भी हो गया, तो खाएंगे और खा के बताएंगे कैसा लग रहा है। तो अभी टेस्ट करेंगे ये मोमोज को और ट्राई करके बताएंगे ये कौन सा फ्लेवर जो है वो तगड़ा है, या कौन कौन सा फ्लेवर जो हम लोगों को पता चल रहा है खाने के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये बहुत गर्म है, ये लगा दिया मैंने शेजवान, लगा दिया शेजवान, ये लगा दिया मोमो, ऑलरेडी चीज़ तो है इसमें, और इसको ट्राई करते हैं। बहुत गर्म है, ये पीरी पीरी फ्लेवर है क्या, पीरी पीरी फुल टेस्ट आ रहा है पीरी पीरी का। और ये देख सकते हो अंदर मटेरियल काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि खाली दिखने में मोटा है और अंदर कुछ है ही नहीं, खाली सही बोला ना नहीं भाई, मैदा नहीं पूरा एकदम चिकन रॉक मिलेगा आपको इसमें, यानी खाने में काफ़ी टेस्टी। तंदूरी, और ये सुमेरा जो है ये तंदूरी फ्लेवर खा रही है, तंदूरी फ्लेवर कैसा है बेटा, ये खाने में मस्त है। दीपक भाई आप बोले ना भाई, आइडिया कहाँ से आया भाई? ऐसा है कि बहुत सोच समझ के देखा, स्टार्ट किया मैंने, काफ़ी सर्वे किया ये एरिया में, कहीं पे मोमोज नहीं और पब्लिक, और जब से मैंने लगाया सब फैंसी बोल के जा रहे भाई, हमको बाहर जाना पड़ता था, हम फाइडी जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, अच्छा हुआ आप लगा दे, बोला ठीक है भाई, उन लोग की दुआ से चल रहे हैं अपन। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि लोगों को टेस्ट अच्छा पसंद भी आ गया, रिपीट है कस्टमर, एक बार जो खा के जा रहा है रिपीट आ रहा है। आप भी वीडियो देखिए, आप भी आइए, आपको भी माशाल्लाह अच्छा ही लगेगा टेस्ट पर, टेस्ट में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, टेस्ट में यानी कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं आपके। मैंने अभी जो खाया वो पीरी पीरी था, एकदम जैसा पीरी पीरी फ्लेवर, एकदम तगड़ा और फ्लेवर भी आ रहा है उसके अंदर, तो ये मैंने खुद ही पूछ लिया आपको, कि भाई पीरी पीरी फ्लेवर कैसा है, ये टेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है। बनाते किधर हो आप भाई? सब घर पे बनता है एकदम, रात में 3 बजे से हम लोग मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट को, और 7-8-9 बजे तक चटाई बन के स्टीम हो जाता है, फिर 3 बजे मैंने स्टीम करना स्टार्ट करके 3:30 बजे यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। 3:30 बजे आप लगाते हो तो कितने बजे तक यहाँ पे अवेलेबल होता है? रात में 10 बजे तक, 10 बजे यहाँ पे, बस 10 बजे तक ही मिलता है यहाँ पे ये। तो 10 बजे के बाद में अगर किसी को खाना है तो क्या करना होगा? आप कॉल करो, फिर हम घर पर डिलीवरी करेंगे आपके लिए। अच्छा ये पूछना था, डिलीवरी आप देते हो फ्री होम या क्या है सिस्टम, क्या है? फ्री होम डिलीवरी, आप वलाड में 4997 के पिन पे कोड पे किधर भी मंगाओ, फ्री होम डिलीवरी करें, यानी 4997 पे आप किधर भी मंगाओ आपको डिलीवरी फ्री हो जाएगा। मैं फ्री होम डिलीवरी करता हूँ, अगर उसके ऊपर जाना है जैसे कहीं, अभी कल मुझे विरार का ऑर्डर था तो उस पर डिलीवरी चार्ज और बल्क ऑर्डर था, तो मैंने वो प्रोवाइड किया वहाँ पर। तो दीपक भाई आप इतने सारे फ्लेवर के जो ये बनाते हो, पहली बात तो क्योंकि मैंने देखा काफ़ी सारे फ्लेवर है आपके पास में, वेज में है, नॉन वेज में है, फ्राई वगैरह जो है, और उसके बाद में डीप वगैरह भी आप दे रहे हो स्ट्रीम मोमोज, तो मोमोज़ का जो आइडिया है वो तो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी मोमोज लवर तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, काफ़ी मोमोज लवर है। तो आपका जो गोरेगांव में भी एक शॉप है, तो वहाँ का रिस्पॉन्स कैसा है? वहाँ से आइडिया मिला, वहाँ पे एकदम अच्छा चलने लगा, तो मैं बोला क्यों ना मैं हमारे एरिया में भी करूँ, कि मैं खुद मोमोज खाने के लिए मुझे उतना लंबा जाना पड़ता था, मैंने बोला यार मैं भी एक फूड लवर बन रहा हूँ, तो बोला स्टार्ट ही करते, देखते जो होगा देखते। तो यार दोस्तों दीपक भाई जो है ये काफ़ी एक्सपीरियंस वाले, ऐसा नहीं कि इन्होंने कल सीखा और आज आके जो ये मोमोज लगाना शुरू कर दिया, राइट ना दीपक भाई? यार सर जरूर, इन्होंने काफ़ी टाइम जो है मेहनत की है, और मैंने भी देखा इनको स्ट्रगल करते हुए, स्पेशली जब मैं गोरेगांव में इनसे मिला था फर्स्ट टाइम, वही मैंने ट्राई किया था, राइट ना? फर्स्ट टाइम आपने वहीं पे ट्राई किया था, आपने मुझे एक बार बोला था भाई हमारे एरिया में भी एक बार आके देख लो आप। दीपक भाई को मैंने यही सजेस्ट किया था कि दीपक भाई आप यहाँ पे आओ एक बार, और यहाँ पे आके एक बार ट्राई करो मोमोज, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप एक जुगाड़ लगाओ और यहाँ पे लोगों को जो है वो बताओ। बाकी वाकई में दीपक भाई मुझे भी काफ़ी दूर आना पड़ता था खाने के लिए, आप नज़दीक आ गए तो काफ़ी अच्छा लगा भाई। बस दुआ है आप लोग की और भी खोलेंगे, इतने में शांत नहीं रहना है और आगे जाएंगे हम, चलते हैं। दीपक भाई बिजनेस को एक्सपेंड भी करने वाले हैं, तो दीपक भाई आप एक बार वापस बता दो आप कौन कौन से फ्लेवर में डील करते हो मोमोज के लिए? मोमोज के लिए हम वेज में जा रहे हो, सिंपली वेज है, पनीर में पनीर मोमोज है, पनीर पेरी पेरी है, कॉर्न चीज़ है, चीज़ चिल्ली चीज़ है, फिर चिकन पे आप आ रहे हो सिंपली चिकन है, चिकन पेरी पेरी, चिकन चिल्ली, चिकन चीज़, चिकन पेरी पेरी, चिकन कुंपा,
काफी सारे मतलब वैरायटी, इतनी फ्लेवर तो इनके पास अनलिमिटेड फ्लेवर है, और अगर आप कुछ बोलो तो कस्टमाइज भी हो जाएगा सर। कस्टमाइज भी हो जाता है, कस्टमर मुझे बोलते हैं सर मुझे इसमें चीज डाल के, चीज ऐड ऑन कर दो, ये कर दो, करो, हम वो करके दे देते हैं उनको। बेसिकली आपका सबसे ज्यादा रनिंग जो मोमोज है वो कौन सा है? चिकन तंदूरी। चिकन तंदूरी तो सुपर है, मेरी भतीजी ने भी खाया अभी तंदूरी, उसके लिए तो पब्लिक बोल रही मैं हाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से आ रहा हूँ, अभी मेरे पास कल ही कस्टमर आ रहे मलाड स्टेशन से आ रहे, जिनको पता चला वो आए थे ऐसा। नहीं तो ये मोमो लवर जो है वो काफ़ी घूमते रहते हैं रोड पे, मुझे भी ऐसा लगता है। तो दीपक भाई आपका बहुत थैंक यू कि आपने हम लोगों को जो है ये मोमोज के इतने सारे फ्लेवर बताए, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं था। फिर भी एक बार आप जो है वो हमारे कस्टमर को बता दीजिए आपके पास कितने, और अभी तो वेज भी शायद बाकी है हमारा। हाँ वेज तो अभी आपका बाकी, वेज भी ट्राई करेंगे भाई, वेज निकालेंगे अभी दीपक भाई, तो निकालिए दीपक भाई वेज। कोई भी अपना वेज मोमोज निकल रहा है यहाँ पे, नहीं देख सकते हो, तो ये देख सकते हो ये अपना वेज मोमोज है, ये देखिए। नॉनवेज तो ट्राई किया, 6 फ्लेवर था, डिफरेंट डिफरेंट, काफ़ी अच्छा लगा। अब वेज भी ट्राई करेंगे, उसका भी जो है वो एक रिस्पांस देंगे कि कैसा है। वेज में कौन कौन से फ्लेवर है दीपक भाई हमारे पास में? अभी ये जो आप देख रहे हो राउंड वाला सिंपली वेज है, ये जो क्रॉस में वो पेरी पेरी है, पनीर है, पनीर पेरी पेरी फ्लेवर में जो देख रहे हो वो सिंपली है। हाँ। और जो नॉर्मल है वो पेरी पेरी, ये जो राउंड में देख रहे हो ये राउंड में वेज है, और ये पेरी पनीर में फ्लेवर है, यानी पनीर पेरी पेरी वगैरह फ्लेवर है। तो फ्लेवर तो काफ़ी सारे इनके पास ऑप्शन है दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी कितना इन्होंने जो है यहाँ पे बताया अभी कि किस किस फ्लेवर में डील कर रहे हैं। सिंपली वेज हो गया, पनीर मोमोज हो गया जो वेज वगैरह खाने वाले हैं, और चिकन वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। 149 में 12 पीस देते हैं, ये देख सकते हो, 69 रुपीज़ में 6 पीस, बस जो भी है वो सब फ्रेश ही मिलता है आप लोगों को, ये देख सकते हो। अभी इसको जो है हमारा थोड़ा ये जो है स्टाइलिश कर रहे हैं, थोड़ा इसको उन्होंने डाल दिया है अभी चीज़, बस रेड देख रहे हैं, पेरी पेरी है, रेड पेरी पेरी है, और ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, तो देख सकते हो ये नॉर्मल सिंपल हो गया। तो ये देख सकते हो ये पूरा आप जो है वो घर पे ही बनाते हो? पूरा घर पे सर, कुछ बाहर का नहीं, ना अजीनोमोटो कुछ नहीं। अगर आपने अजीनोमोटो प्रूफ कर दिया पूरा डब्बा फ्री मेरे को भी देखे चलो। यानी अजीनोमोटो अगर इनके मोमोज में पाया गया, इनका ऐसा कहना है कि ये पूरा जो है डब्बा फ्री में लेके जाइए। तो ट्राई करेंगे वेज को भी, और अपना रिस्पॉन्स बताएंगे कैसा है, अपना टेस्ट बताएंगे कि हमको वेज में कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। तो मोमोज लवर, अच्छे अच्छे मोमोज खिला है दीपक भाई तुमने, काफ़ी मज़ा आया। आवाज़ थोड़ा जो है वो ज़्यादा बाहर का आ रहा होगा, क्योंकि बैटरी जो है थोड़ा लो हो गया। ओके राइट ना, उसको एडजस्ट करेंगे एडिटिंग में कुछ ना कुछ। जरूर जरूर डेफिनेटली। तो भाई आपने इतने अच्छे, आपने इतने सारे फ्लेवर के जो मोमोज मुझे खिलाया, तो लोगों को तो यानी काफ़ी पसंद आएगी कि नहीं, वो पता नहीं, मुझे तो काफ़ी पसंद है। ऑब्वियसली भाई दुआ ऐसा है कि सबको पसंद है, मुझे तो एकदम कोशिश ये है कि हम सब तक पहुँचे, हम सब तक पहुँचे, आप सब तक पहुँचो, यही हमारी दुआ है। और अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है ठीक है, नियर बाय में है मलाड, गोरेगांव, कांदिवली, बोरीवली, एक बार आके यहाँ पे जो है मोमोज को जरूर ट्राई करना, क्योंकि मेरे आपकी एक खासियत थी का दीपक भाई, आप जो मोमोज दे रहे हो ना उसके अंदर फ्लेवर है, बाहर से आप डीप नहीं दे रहे हो। वही जैसे मैंने जो पीरी पीरी खाया स्पेशली, उसमें जो अंदर टेस्ट था ना वो मुझे और कहीं नहीं मिला, क्योंकि और दो तीन जगह मैंने ट्राई किया तो मुझे सॉसेस वगैरह मिले थे पीरी पीरी, चिकन मोमोज अंदर ऑटोमेटिकली पीरी पीरी नहीं था उसके अंदर मैरिनेट्स, तो ये मुझे आपका सबसे अच्छा लगा। बस वही थोड़ा हटके हमारे लिए सारे फ्लेवर अंदर है। और यहाँ पे जो है वो आने का मेन मकसद यही था कि बहुत दिन हो गया था मोमोज वगैरह खाए नहीं थे, और नियर बाय में तो मेरे कोई मोमोज मिलता ही नहीं। लास्ट टाइम आपसे जो है गोरेगांव में मोमोज, वही गोरेगांव में जो मुलाकात हुई थी भाई। तो वीडियो जितना अच्छा लगे दोस्तों लाइक करो, अगर चैनल पे नए आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई को सपोर्ट करो, यहाँ विजिट करो, और स्पेशली खाओ। अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके जरूर बताओ, मगर वो भी बताओ, अगर अच्छा नहीं लगा खाने के बाद तो कमेंट करके जरूर बताओ, वो भी बताओ, हम उस पर भी काम करेंगे, उसके ऊपर भी आके काम करेंगे। अगर आप कोई और फ्लेवर जानते हो जो आपने ट्राई किया है, जो हमने नहीं दिखाया आपको, यार हम नहीं सेल कर रहे हैं दीपक भाई, तो आके एक बार बताओ दीपक भाई, वो भी स्टार्ट जरूर 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 दोस्तों, मिलेंगे यहाँ पे। तो चलो दोस्तों मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।